हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और नया ट्रिक लाया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, मतलब चुटकी में इसका आंसर दे सकते हो, मतलब एकदम देखते ही इसका आंसर दे सकते हो बिना पेन कॉपी का। तो जैसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजी वे में मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर मैं वो प्रूव भी करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर क्या आएगा, बट अप्रोच कहाँ लगाना है पहले वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे रूट के अंदर रूट हो, फिर रूट के अंदर रूट हो, और लास्ट में डॉट 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 इनफाइनाइट हो, और यहाँ सेम नंबर तब लगाना है, जैसे ये 2 2 2 2 2, जैसे 3 3 3 3, और रूट के अंदर सब पे रूट लगाए, और डॉट 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 इनफाइनाइट का साइन जरूर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होगा रूट टू, फिर रूट टू, फिर उसके अंदर रूट टू, फिर उसके अंदर रूट टू, उसके अंदर फिर रूट टू, मतलब डॉट 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 इनफाइनाइट। सेम यहाँ पे ओवरऑल ये ट्रिक आपको लगाना भी आना चाहिए, अभी नहीं कि हमने देख लिया और कहीं ट्रिक कहीं और था कुछ और लगा दिया। तो सेम इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर काफी इजी है कि जैसे इसका आंसर जो होगा जो रूट के अंदर है ना वही आंसर होगा 2। अब इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर काफी इजी x होगा। इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। तो काफी इजी भी है आपको मैंने बता दिया कि मतलब ये कैसे, बट अब बात आती है कि सर ये कैसे होगा, इसका आंसर 2 ही क्यों, 3 ही क्यों। तो मैं कोई एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों होता है। बट जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन है और रूट के अंदर रूट हो और सेम नंबर हो और लास्ट में इनफाइनाइट का साइन होना बहुत जरूरी है, तब जो रूट के अंदर जो होगा नंबर वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं अभी एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको y इक्वल टू मान लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू में रूट के रूट टू, फिर उसके अंदर रूट टू, फिर उसके अंदर रूट टू, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैथ्स में आप कुछ भी कर सकते हो बट बोथ साइड इंपैक्ट आना चाहिए, और अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो बोथ साइड, फिर अगर ऐड कर रहे हो तो दोनों सेम नंबर, यानी कि कुछ भी मतलब सेम इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे टू टू, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, एक रूट कट जाएगा टू इनटू में, फिर यहाँ पे टू टू, फिर रूट टू, डॉट डॉट डॉट। अब ये नहीं कि दो बार, आप इसके अंदर 3 बार भी लिख सकते हो, 4 बार भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बार। y स्क्वायर इक्वल टू में 2 इनटू, अब इस पूरी की वैल्यू हमने क्या माना है, इस पूरी की वैल्यू हमने क्या माना है यहां पे y, आप इसको y y स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में हुआ, इधर आके डिवाइड में, और यहां पे मैंने यहां पे डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, x पर था अपॉन में x का n, x का पावर n माइनस n, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा जो रूट के अंदर है वही आंसर। तो ये रीजन हो गया, बट यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्यों कटता है ये भी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्यों कटता है उसका रीजन है। तो अभी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर में वीडियो बनाया, उसमें मैंने ये चीज बताया कि सर्ड फॉर्म होता है, अगर ऐसा है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा, और जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता, तो यहाँ पे 2 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर अंदर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, 2 का पावर 1 क्या होता है, इसलिए स्क्वायर से कट, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो उम्मीद है ये काफी अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, और सब्सक्राइब भी करें, और काफी मुझे मोटिवेट भी करें।